బ్రిటన్లో బ్రేక్ ని చూస్తున్నాం. పార్లమెంట్ సమావేశాలు రెండో రోజు వాడివేడిగా కొనసాగుతున్నాయి. సభ ప్రారంభమైన కొద్ది క్షణాల్లోనే వాయిదా పడింది. వైపు కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతుండగా ప్రతిపక్షాలు మణిపూర్ అల్లర్లపై చర్చించాలని స్పీకర్ పొడియం చుట్టుముట్టారు. మణిపూర్ హింసాకాండపై ప్రధాని ఎందుకు స్పందించలేదని, ఎలాంటి చర్యలు ఎందుకు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు. అధికార ప్రతిపక్షాలు నినాదాలతో సంతరకూలంగా మారింది. దీంతో స్పీకర్ ఓం బిర్లా సభకు 12 గంటలకు వాయిదా వేశారు. రాజ్యసభలో కూడా ఇలాంటి వాతావరణమే కనిపించింది. ఇటలో బ్రేక్ ని చూస్తున్నాం. పార్లమెంట్ సమావేశాలు రెండో రోజు వాడివేడిగా కొనసాగుతున్నాయి. సభ ప్రారంభమైన కొద్ది క్షణాల్లోనే వాయిదాపడి వైపు కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతుండగా ప్రతిపక్షాలు మణిపూర్ అల్లర్లపై ఎందుకు చర్చించాలని స్పీకర్ పొడియం చుట్టుముట్టారు. మణిపూర్ హింసాకాండపై ప్రధాని ఎందుకు స్పందించడం లేదని, ఎలాంటి చర్యలు ఎందుకు తీసుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు. అధికార ప్రతిపక్షాల నినాదాలతో సభ గందరగోళంగా మారింది. దీంతో స్పీకర్ ఓం బిర్లా సభను 12 గంటలకు వాయిదా వేశారు. అటు రాజ్యసభలో కూడా ఇలాంటి వాతావరణమే కనిపించింది. लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहां पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए. मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है. और अध्यक्ष महोदय मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लिए लेते हुए चर्चा होनी चाहिए. फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले. चर्चा नहीं करना चाहते सरकार की तरफ से मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं. बताइए अध्यक्ष महोदय मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है. मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र संहार हुआ है. यहां तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो. मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए. लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहां पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए. मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है. और अध्यक्ष महोदय मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए चर्चा होनी चाहिए. फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले. चर्चा नहीं करना चाहते सरकार की तरफ से मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं. अध्यक्ष महोदय मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है. मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र संहार हुआ है. यहां तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो. मैंने आर पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा
चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूँ और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते सरकार की तरफ से मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूँ, बताइए अध्यक्ष महोदय। मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी इस बात को कहा है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र संहार हुआ है। यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने आल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूँ और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते सरकार की तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूँ, बताइए अध्यक्ष महोदय। मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए